हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग बीएचयू पाठशाला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप इस वीडियो को देखने से पहले आपने अपने कोर्स के सिलेबस की वीडियो देख ली होगी। अगर आप बीएड ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स में आपने एडमिशन लिया है या एलएलबी में लिया है, तो ये दोनों ही कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। हालांकि जो आपका बीएड ह्यूमैनिटीज़ का है उसमें 10 से 12 क्वेश्चन इससे आते हैं, पॉलिटी सेशन से, और एलएलबी तो इसी पे पूरा बेस्ड ही है। और फिर आ जाते हैं हम इलेक्शन कमीशन, जो आज हमारा टॉपिक है। इसको मैं पहले बता दूं, इसको हिंदी में जो लोग हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए बता दूं, निर्वाचन आयोग इसको कहते हैं। आप इसका नाम कई बार सुने होंगे, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या न्यूज़ में हो, कहीं भी बहुत बार सुने होंगे। और इसको मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट दो चार फैक्ट है, वो क्या फैक्ट है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कहा जाता है। आपने कई बार सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्यों कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जिक्र जो है इसके बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और किस पार्ट में दिया गया है, ये क्वेश्चन बनता है। तो आइए हम आपको बताते हैं, पार्ट 15, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में इसको इलेक्शन कमीशन को रखा गया है। और किस से कितने आर्टिकल से शुरू होता है, किस आर्टिकल तक, तो ये 324 to 329 आपको इन्हीं के बीच में इसके बारे में देखने को मिलेगा। इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं, तो ये 25 जनवरी 1950 को इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। 25 जनवरी से एक फैक्ट आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, दैट इस दिन क्या मनाया जाता है, वो कौन सा नेशनल डे मनाया जाता है। तो इस दिन आपका नेशनल डे जो होता है वो नेशनल वोटर्स डे, नेशनल्स वोटर्स डे जो होता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना होती है। फिर बात आ जाती है कि इस आयोग का काम क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो जो निर्वाचन आयोग का काम है, जैसा कि नाम से लगता है कि इसका काम होगा चुनाव कराना। जी हाँ, आप सही हैं, चुनाव कराना। तो आखिर कौन कौन से चुनाव कराना, तो उसमें दो फैक्ट आप नोट करिएगा। पहला, संसद के चुनाव, संसद के दोनों सदनों का चुनाव इलेक्शन कमीशन कराएगा। दूसरा जो है वो राज्य के विधानमंडल का, ये तो हो गई बात निर्वाचन आयोग की। इसमें एक और टॉपिक आता है, और पिछले प्रीवियस दो चार साल पहले कुछ कभी कभी कुछ क्वेश्चंस जब उसको घुमा के, या आप कह सकते हैं काफ़ी तोड़ मरोड़ के पूछता है, तो ये पूछता है कि जो स्थानीय चुनाव होते हैं, स्थानीय चुनाव का मतलब आप लोगों को पता होगा कि जैसे हमारा, अगर हम आप गांव में रहते होंगे तो ग्राम पंचायत का चुनाव हो गया, अगर आप टाउन एरिया में रहते होंगे तो जैसे नगर पालिका का चुनाव हो गया, नगर पंचायत का चुनाव हो गया। वो चुनाव कंडक्ट कौन कराता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, तो वो हर राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग, हर राज्य का अपना एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसका काम होता है राज्य के स्थानीय चुनावों को कंडक्ट कराना। इसका इसमें अगर आपको इसके एग्जांपल देने हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ग्राम पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव, ये आप इसको नोट कर लेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये पार्ट वन है, तो आप लोग घबराए नहीं, जो भी इससे जो हमारा पार्ट टू होगा वीडियो का, उसमें हम केवल क्वेश्चंस की बात करेंगे, अभी कंसेप्ट की बात करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर का मतलब ये जो गवर्नमेंट बॉडी है ये कैसे वर्क करती है, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, टेन्योर और सैलरी की। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, स्ट्रक्चर में 1993 से पहले क्या था कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक आदमी रहता था, वही चीफ रहता था, बाकी इनके नीचे जो है ढेर सारे एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, तो वो नहीं आपके एग्जाम में आता। तो चीफ पहले 1993 से आप एरो लगा के नोट्स बनाएंगे तो पहले आप लिखेंगे एक, लेकिन अब क्या है, इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस लाया गया, अब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और दूसरे जो होंगे वो इनके मेंबर होंगे, एक और एक।
तो अगर हम टोटल की बात करें तो 3 होगा, लेकिन जब हम लिखेंगे इसको नोट्स में तो 1+2 लिखेंगे। ये पॉलिटी में नोट्स बनाने का ये तरीका होता है कि जो शीर्ष में होगा, जो हेड होगा, जो HOD होगा, जो आप जिसको आप हेड कहेंगे उसको आगे लिखते हैं, बाकी जो उनका मेंबर होगा वो प्लस किया जाएगा। फिर दूसरी बात आती है अपॉइंटमेंट की, तो इनको अपॉइंट कौन करता है। तो जैसा कि हमको पता है कि ये एक निष्पक्ष है, ये आप ये कह सकते हो कि ये किसी पार्टी या इससे नहीं है, ये गवर्नमेंट बॉडी है। तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम गवर्नमेंट बॉडीज़ को जो अपॉइंटमेंट का काम है वो प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर बात कर लेते हैं इनके टेन्योर की, टेन्योर का मतलब कार्यकाल। तो जो इनका कार्यकाल होता है, जिस दिन से अपॉइंट होते हैं, जिस दिन से पद ग्रहण करते हैं, उस दिन से 6 साल की अवधि तक, 6 वर्ष तक ये उस पर काबिज रहते हैं। इसमें एक और फैक्ट आता है, वो आप कहीं देखेंगे किसी भी बुक्स में मिलेगा, 65 ईयर। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि वो 60 के एज में अपॉइंट होते हैं, लेकिन हमने तो बोला कि 6 साल तक रहेंगे, लेकिन अगर उनकी एज 65, 5 साल में उनका एज कंप्लीट हो जाता है, 65+ हो जाएंगे तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे। तो फिर इसको कैसे समझेंगे, इसको ये समझेंगे कि इनमें से जो जल्दी पूरा होगा वही उनका कार्यकाल होगा। अगर 6 वर्ष पहले पूरा हो गया तो वो उसके बाद हट जाएंगे पद से, फिर कोई दूसरा नियुक्त होगा। तो ये आ जाती है बात टेन्योर की। और ये इन दोनों, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी होगा और जो उनके 2 मेंबर हैं उनके लिए भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। सैलरी की बात करते हैं, तो जो इनकी सैलरी होगी वो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके ही बराबर होती है, जो सैलरी लगभग 2.5 लाख होती है, इनको सैलरी दी जाती है। ये जो होती है इसमें प्लस होता है, जो इनके मतलब महंगाई भत्ता होते हैं, जो फैसिलिटी होते हैं वो प्लस होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल 2.5 लाख इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, और अभी इसमें जब बात की जाए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो आप नाम याद रखिएगा, सुनील अरोरा जी हैं। ये क्वेश्चन का जो सीरीज होगा वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि जो पॉलिटी की हमारी क्लास है उसकी लेंथ थोड़ी कम रहे, आप लोग अच्छे से वाच करें, थोड़ा इंटरेस्ट बनाएं। अभी हम लोगों के पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, तो हम बहुत आराम से पढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आपको अभी इस टॉपिक को हम ख़त्म नहीं करेंगे, और मैं जानबूझ के इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला रहा हूँ कि आप लोगों को ये बोरिंग ना लगे। तो आई होप आपको इलेक्शन कमीशन समझ में आया होगा। आप ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़िए, तैयारी करिए। अगर आपने एडमिशन अभी तक नहीं लिया है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करिए और एडमिशन लीजिए। क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, और इसी के साथ ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।